दोस्तों आपको बता दें, क्वाड देशों की लगातार एक्टिव रहने से चाइना बौखलाया हुआ है। आपको बता दें, क्वाड देशों में ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका शामिल हैं। चीन को इस बात से डर लगता रहता है कि ये चारों देश मिलकर कहीं चाइना को घेरने की तैयारी न करने लगे, इसीलिए लगातार चाइना क्वाड समूह को नेटो और एशियाई नेटो बताता रहा है। दोस्तों चीन के उप विदेश मंत्री ने एक दफा मीडिया से बातचीत करते हुए क्वाड को चीन विरोधी फ्रंटलाइन या मिनी नेटो भी बताया था। दोस्तों आपको बता दें, नेटो एक सैन्य गठबंधन है, एक मिलिट्रिकल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 30 यूरोपियन और नॉर्थ अमेरिकन देश शामिल हैं। लेकिन दोस्तों क्वाड इससे काफी ज्यादा अलग है। क्वाड का मेन फोकस ये होता है कि कैसे हम अपने देश के बारे में भला कर सके, कैसे हम दुनिया को इकोनॉमिकली स्ट्रांग बना सके। दोस्तों चीन द्वारा लगातार क्वाड ग्रुप को नेटो ग्रुप बताने पर भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन को जवाब दे दिया है। आपको बता दें, मीडिया से बातचीत करते हुए एस जयशंकर ने कहा है कि क्वाड देश अपने और दुनिया के लाभ के लिए सहयोग करने के लिए एक साथ आए हैं। नेटो जैसा शब्द एक कोल्ड वार शब्द है जो इतिहास की बात है, लेकिन क्वाड भविष्य की बात है। यह ग्लोबलाइजेशन को दर्शाता है। क्वाड देश की शिक्षा, कोरोना वायरस के टीके, सप्लाई चेन, कनेक्टिविटी सहित कई और मसले पर एक साथ काम करते हैं। उन्होंने आगे कहा है कि मुझे क्वाड का नेटो या उस तरह के किसी और ग्रुप के बीच किसी तरह की कोई संबंध नहीं नजर आती है। दोस्तों वाकई में चाइना को करारा जवाब है। चाइना हमेशा से ये कहता रहा है कि इंडिया भी एक मिलिट्रिकल ऑर्गेनाइजेशन के साथ शामिल है। इंडिया भी बार बार ये कोशिश कर रहा है कि कैसे चाइना के ऊपर अटैक किया जा सके। लेकिन दोस्तों क्वाड ऐसा नहीं है। क्वाड एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो दुनिया के भले के लिए सोचता है। क्वाड का मेन फोकस होता है कि कैसे हम दुनिया में ग्लोबलाइजेशन कर सकें, कैसे हम दुनिया को इकोनॉमिकली स्ट्रांग बना सके। लेकिन चाइना इंडिया की इज्जत पर कीचड़ उछालना चाहता है ताकि दुनिया को ये लग सके कि इंडिया पीसफुल कंट्री नहीं है। इंडिया भी दूसरे देशों के साथ टाई अप करता है ताकि वो किसी दूसरे देश पर अटैक कर सके। दोस्तों मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक क्वाड देशों की अगली बैठक 24 सितंबर को अमेरिका में होने जा रही है। इस मीटिंग में ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत और अमेरिका के टॉप नेता भाग लेने वाले हैं। इस मीटिंग में कोरोना वायरस, अफगानिस्तान आदि पर प्रमुख तौर पर बातचीत करने की संभावना है। इससे पहले चारों देश मार्च 2021 में वर्चुअल बैठक में शामिल हुए थे जिसमें कोरोना वायरस, जलवायु परिवर्तन और सुरक्षा आदि को लेकर बातचीत की गई थी। दोस्तों इन शॉर्ट क्वाड एक बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है जो दुनिया और इंडिया दोनों को काफी ऊंचाइयों तक लेके जाएगा। दोस्तों आपको न्यूज के ऊपर क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आप ऐसे न्यूज देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।